राम राम जी, कैसे हो आप सभी। ये देखो हमारे अवनी बाबूजी क्या कर रहे हैं, हमारे बाबूजी भी नहा चुके हैं, तो अभी मैं नहाकर आई हूँ और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। और आप लोग कमेंट करते रहते हो कि आपके पास इयर रिंग्स नहीं है, और देखिए ये रहे दूसरे पहन लिए आज मैंने, आप लोगों की मांग पूरी कर दी। और पर चूड़ी नहीं पहनी है, कल हो लिया तो शाम को पहनेंगे, नेल पेंट भी नहीं लगाया, वो भी शाम में लगाएंगे, कल सुबह पूजा के लिए जाएंगे। तो चलिए अभी बहुत सारी बात हो गई है, दोपहर का टाइम है, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, आप लोगों से बातें भी कर ली है, तो चलिए अभी कुछ काम कर लेते हैं। तो कुछ घर का राशन ख़त्म हो रहा था जो आज हम मार्केट जाकर लाए हैं, तो वहाँ का मैंने कुछ सूट नहीं किया है, जल्दी जल्दी में गए और बहुत ही जल्दी में आए क्योंकि छोटे बाबू को यहीं छोड़ गए थे। तो चलिए अभी सर डब्बे में डाल लेते हैं और आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या राशन लाए हैं। तो ये लाई हूँ मैं थोड़ी सी मसूर की दाल और घी लाए हैं, और ये चाय की पत्ती, और यह है जीरा पाउडर, धनिया, गरम मसाला, कपड़े धोने के लिए साबुन, जीरा, चावल बासमती चावल लाए, और बेसन और चीनी और नमकीन बिस्कुट और तेल। तो देखिए हम तो अपने बजट के अनुसार ही घर का राशन लाते हैं, हम ये नहीं कि एक बार इकट्ठा कई महीने का लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा रखते हैं हमने बजट के अनुसार। तो चलिए अभी राशन तो आप लोगों को दिखा दिया है, उसे डब्बों में भी डाल देते हैं। मुझे बनानी है आज पालक की पकौड़ी, तो अभी हम पालक की पकौड़ी बनाने के लिए इसका सामान तैयार कर रहे थे। पालक को धो भी लिया है और अभी इसे काट लेते हैं। थोड़ी सी प्याज काटी है, एक प्याज और काटनी है इसमें, और आलू जब भी काटेंगे जब बिल्कुल उतारनी होगी, उससे पहले नहीं आलू काट के रखूंगी। अवनी तो इनकी जो डंठल है वो निकाल दिया, बस खाली पत्ते पत्ते काट लूंगी। हट जा अवनी, ये कहाँ जा रहा है दरबारी लाल पूत, ओ पूत कायरू कायरू कायरू, कायरू कायरू तो चलिए अभी पालक काट लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, मैं आज बना रही हूँ पालक की पकौड़ी, तो मैंने इसमें काटे हैं 2 आलू और 1 प्याज और पालक, तीनों चीज़ें काट ली हैं। खाली इस पालक की नहीं बना रही हूँ, आलू पालक की पकौड़ी बना रही हूँ। तो अभी इसमें बेसन डाल देते हैं, तो चलिए इसमें इतने इसमें डाल देते हैं हम धनिया, एक छोटी चम्मच इसमें धनिया डाल दिया है, और नमक डाल देते हैं छोटी छोटी, 2 चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसमें। लाया हो गया, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, हल्दी की चम्मच कहाँ है, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाल देते हैं, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेते हैं, बहुत थोड़ी सी, अवनी को लगती है ज्यादा नहीं डाल लेंगे। अब इसमें बेसन डाल लेते हैं, तेल गरम हो चुका था तो मैंने इसमें एक पकौड़ी छोड़ भी दी है। तो चलिए भी पकौड़ी उतार लेते हैं।
पकौड़ी उतारने के बाद अभी मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर डंगरों वाले में, और यहाँ पर मैं अभी खड़ौंचे पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए तो खड़ौंचा वैसे ही इतना उबड़ खाबड़ है, तो इस पर बस बहुत मुश्किल से झाड़ू लगती है, खड़ी झाड़ू लगानी पड़ती है। और यहीं पर खड़े हुए थे राठी जी, तो मैं उनसे बात कर रही थी और साथ के साथ झाड़ू लगा रही थी। तो हम ज़्यादातर अब जा अंदर पर सो को खास अंदर की साइड से ही खुआ देते हैं। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि ऐसे खड़ौंचे पर मत बांधा करो, ऊँचा नीचा है, तो इसलिए वहीं बांध देते हैं, अंदर से ही खा लेती है। उसके बाद यहाँ पर मैं गोले उतार रही हूँ, फिर हमें कुट्टी काटनी है लाइट आने के बाद में, तो अभी यहाँ पर डालकर और खोलकर छोड़ देंगे। उसके बाद अभी मैं यहाँ उतार रही हूँ कपड़े, तो मैंने कुछ कपड़े जो कल धुले थे वे अभी यहाँ कुछ गीले थे, तो मैंने इन्हें यहाँ बाहर धूप में डाल दिया था, और कंबल को भी धूप में डाल देती हूँ, उसमें थोड़ी निवास सी हो जाती है, शाम में बिछा लेते हैं। दो तीन दिन से फिर ठंड हो रही है, तो अभी मैं उन्हें उतार कर अंदर रख दूँगी। और मुझे बगड़ में भी झाड़ू लगानी है, कुछ यहाँ अंदर रस्सी पर पड़े हुए हैं वे भी उतारने हैं अभी मुझे। अभी यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं जिन्हें भी मैं अच्छे से ठीक कर कर रख दूँगी, क्योंकि देखिए जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी मैं बस ऐसे ही डाल देती हूँ, उसके बाद में सारे बर्तन लगा के रखती हूँ। कुछ बर्तन और हो गए हैं, उन्हें बाद में साफ़ कर लूँगी, पहले इन्हें अच्छे से लगा लेती हूँ। चम्मच के साइड में टोकरे में लगा देती हूँ, और ये थाली परात भगोना जो सब ऐसे ही बिखरे हुए हैं, मतलब जल्दी जल्दी मैं बर्तन साफ़ करे थे। आप समझ सकते हो त्योहारों का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है घरों में, और बहुत ज़्यादा काम फैल रहा था मेरा, बस मैं जल्दी जल्दी में साफ़ करके ऐसे ही डाल दी, तो मैंने सट कर अंदर रख दूंगी। बर्तन रखने के बाद अभी यहाँ अंदर पड़े हुए थे तौलिए, इन्हें मैं यहाँ बाहर हैंगर लगा रखा है मैंने छोटा सा, यहाँ पर टांग दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर पड़े हुए हैं भीतर बर्तन, कुर्सी, डंडी, चप्पल, ये सब चीज़ें मैं उनकी जगह पर उठा कर रख दूंगी। देखिए पूरे घर का हालत ख़राब हो रही है, पूरे घर में फैला कर रखा है। बच्चों वाले घर में ऐसा ही हो जाता है, अवनी ही अकेली काफ़ी होती है, वैसे तो कभी कभार मेरे साथ मन भी जाती है, और देखिए फिर भी थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। इधर उधर सामान पड़े हुए थे, सब सामानों को समेट दूँगी मैं। मेरी झाड़ू लग चुकी थी, तो यहाँ पर रखी हुई थी साबुन और फेस वॉश और कोलगेट और शैम्पू, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इन्हें अभी मैं इसमें रख दूँगी। ये मैंने एक लाकर लगा रखी थी, तो अब ये सारी चीज़ें इसमें रख देते हैं। अन्य इधर उधर रखी रहती थी, और यहाँ पर रखी हुई थी सरफ की थैली मिट्टी में हो रही थी, और ये हैंड वॉश भी मिट्टी में हो रहा था, इन दोनों को मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद इन्हें भी मैं उठा कर रूम में रख दूँगी। मेरी पकड़ में झाड़ू पूरी हो चुकी है। Hey!
बजम्मी धोकर फैला दी है मैंने, और एक बाल्टी रखी थी वो भी धो दिया है, और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं मेरे, और मैंने सब्जी भी बना ली है शाम के लिए, सारा काम बस लगभग हो ही गया है। तो वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कमेंट करिए। तो आप सबको एडवांस होली से एक दिन पहले मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के यहाँ तैयारी चल रही होगी तो आप सब लोग भी बताइए आपने क्या क्या तैयारी की है कल होली की, क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तो कमेंट में बताइए। कैसी कैसी तैयारी चल रही है, कौन अपने गाँव गया है, कौन अपने शहर में, जो शहर में रहते हैं वे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और जो गाँव में गए हैं दीवे बांधने के लिए जाते हैं। तो देखिए कल जैसे होली है, दीवे बांधने के लिए सब अपने गांव जाएंगे, तो बताइएगा कौन कौन गए हैं और कैसी कैसी तैयारी चल रही है। तो मैंने होली पर कोई स्पेशल चीज़ नहीं खरीदी है, ना ही कोई ख़रीदारी की है, बस सिर्फ घर का ही राशन लाई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तो मैंने नहीं करी कोई शॉपिंग होली के लिए, तो जैसे हैं सीधे साधे, कुछ लोग बोलते हैं अनपढ़ गवार बदतमीजी वगैरह, तो देखिए जैसे भी हैं सीधे साधे, जैसे भी हैं, जैसी भी वेशभूषा है, जैसे भी कपड़े पहनते हैं, जैसा कुछ भी है वो सब आप लोगों के सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।